राजधानी लखनऊ में लोकसभा चुनाव का मतदान जारी है। सुबह से मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और वोट कर रहे हैं। युवा से लेकर बुजुर्ग हर कोई लोकतंत्र के इस महापर्व में खुशी खुशी हिस्सा बन रहा है। साथ ही ज्यादातर लोग अपने परिवार संग मतदान करने पहुंच रहे हैं। वहीं बुजुर्गों के लिए मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है, जिससे आसानी से बुजुर्ग भी अपना मतदान कर सकें। आखिर इस बार जनता के क्या मुद्दे हैं और जनता कैसी सरकार चाहती है, देखिए वोटर्स का क्या कहना है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में आज लखनऊ समेत 14 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। हम लखनऊ के मालवेन्यू स्थित जो है लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो है आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है नगर निगम की ओर से। यहाँ पे जो है सुबह से ही मतदाता अपना वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पे सेल्फी बूथ बनाया गया है, सेल्फी लेने के लिए भारी संख्या में लोग मतदाता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपना अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जो आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। मैम मैम मैम, आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया है। मैम किन मुद्दों को लेकर जो है, किन मुद्दों को लेकर आप जो है वोट डाले? हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। किन मुद्दों को लेकर, क्या कैसी सरकार चाहिए, क्या 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 होना चाहिए? जैसी सरकार अभी चल रही है हम उससे बिल्कुल खुश हैं और हमको उनसे कोई शिकायत नहीं। धन्यवाद सर, आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया। किन मुद्दों को लेकर आप जो है? प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट, प्रोग्रेस ऑफ द सिटी, वो हम देखते हैं, उसी को दिया है। हमारे साथ और भी मतदाता यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। वोट डाल दिया आपने? जी भैया। किन मुद्दों को लेकर जो है आपने वोट डाला? बस यही, अब कुछ अच्छा हो यही सोच रहे हैं। कुछ अच्छा में क्या क्या चाहिए? बस जैसे खुशियाँ हैं वैसे ही खुशियाँ रहने चाहिए, और भी बेकार हो जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। बस सरकार सही चलना चाहिए, सरकार सही चलना चाहिए। यहाँ पे जो लोग हैं कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को लेकर लोग वोट दे रहे हैं, राष्ट्र हित में वोट दे रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि अच्छा हमारे शहर में काफी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग आएंगे और अपने मतदान का उपयोग करेंगे। क्या मुद्दे लगेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, आप लोगों को सब पता है। बस ये है कि अधिक से अधिक लोग आए, अपने विवेक के अनुसार मतदान करें। सबकी अपनी मत अपना वो रहेगा, बट सब इसमें प्रतिभाग लें, इसमें हिस्सा लें, यही जरूरी है। हाँ देखिए, मतदान तो हमारा कर्तव्य है और धर्म भी है। जब धर्म और कर्तव्य एक साथ शामिल होते हैं तो राष्ट्र की प्रगति के द्वार खुलते हैं, और मतदान जो है वही धर्म और कर्तव्य को निभाने का एक पर्व होता है। तो मैं आया हूँ, मतदान करने जा रहा हूँ और मतदान करके आऊँगा। भारत के लोकतंत्र के लिए अपना योगदान करूँगा। मैं सर्वेश अस्थाना आप सबको मतदान पर्व की बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जब गर्मी होती है तो हम भोजन नहीं छोड़ देते, जब गर्मी होती है तो हम पानी पीना नहीं छोड़ देते, जब गर्मी होती है तो हम ज़रूरी काम से निकलना नहीं छोड़ देते। तो इस गर्मी में हम ऐसा क्यों महसूस करें कि गर्मी की वजह से हम नहीं जाएंगे? हम बिल्कुल जाएंगे गर्मी की वजह से, और गर्मी हम पर कोई फर्क नहीं डाल सकती। जब खाना पानी कर सकते हैं गर्मी में तो वोट भी डालेंगे। हमने आई थॉट अबाउट कि मुझे क्या चीज़ मेरी लाइफ को एक्चुअली जिस चीज़ पे फर्क पड़ेगा, और हाउ इज इट गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट के लिए क्या कर रही है, स्पेशली एज महिला हमारे लिए क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, वो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था। विकास, सुरक्षा और देश आगे बढ़े, ये खास मुद्दे हैं। जो लोग ये प्रोवाइड कर सकते हैं, जो लोग दे सकते हैं, उन्हीं को वोट किया है। हमें बहुत अच्छा लगा। क्या मुद्दे? अपने अधिकार का प्रयोग करना सब नागरिक को चाहिए। और क्या मुद्दे जहन में थे जो आज आपने वोट डाला? क्या आम क्या वो किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया है? देशभक्त को, जिनको देश सबसे प्यार है उनको। और मतदाताओं से क्या अपील करेंगी आप जो अभी तक वोट डालने नहीं निकले हैं? उन सबसे यही अपील है कि वो आकर के अपने मत का वोट, अपने मत का अधिकार यूज करें। अरे नहीं, हम इसमें इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। सर आप बता दिए। नहीं, मुद्दे तो सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है और इसको बिल्कुल मजबूत रखना है तो सभी वोटर का कर्तव्य है कि वो आकर के वोट डाले, और इस डेमोक्रेसी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कितने शहीदों ने अपनी जानें दी, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, तो इस व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे पहले जरूरी है सब लोग आएं, वोट जरूर डालें, और मैंने भी अपना वोट डाला है। मुद्दे बताने, मुद्दों से बहुत से लोग अंदाज भी लगा लेते हैं कि वोट क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, तो मैं मुद्दों पे कोई नहीं बात करूंगा। मुद्दे सारे सब लोग जान रहे हैं और हम लोग भी अवेयर मतदाता हैं, और
इस देश के लोकतंत्र को मजबूती से आगे चलाने के लिए हमने वोट डाला है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है और हर एक को मतदान करना चाहिए और बहुत अच्छे से सभी को घर से निकल के चाहे जितनी भी गर्मी हो लेकिन वोट जरूर देना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। मैम, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया, क्या होना चाहिए, कैसे सरकार चलनी चाहिए? सरकार काम तो अच्छा हो रहा है, बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए दोबारा। हम लोग तो यही चाहते हैं हमेशा जो है बीजेपी ही सरकार रहे। ये सरकार बीजेपी सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, हम ये चाहेंगे कि यही सरकार रहे, अगले 50 साल तक यही सरकार रहे। क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से वोट डाल रहा हूँ, मैं व्यवस्था देखता हूँ, अब ये कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि पानी का इंतजाम है, मेडिकल टीम बैठी हुई है, पत्रकार लगे हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं। ये सब बदलाव यही नहीं, पूरे देश में हर क्षेत्र में बदलाव है। हमारी देश की सीमाएँ सुरक्षित हैं, हमारे देश में विकास हो रहा है, पूरे देश में मोदी जी का नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखते हुए हमारे देश का पूरा नाम सब जगह हो रहा है। जय श्री राम। मैं चाहूँगा कि यही सरकार बनी रहे।